सर उठन बस आप उठ के बैठिए। ऐसा कब से हुआ है सर? वर्ष सल एर सल एर वर्षक बंद बढ़ता बैक मेल जास्ती आम कुंट सवकाश उठो सा ऑपरेशन केस है ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಿಡೋದು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಕೇಳಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಾಳದ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಓಕೆ ओके हाँ खड़े रहो खड़े रहो। ओके ठीक है सो जाओ सर सो जाओ सर अच्छा सो जाओ पैर सीधा करो दोनों पैर पैर उठाओ लेफ्ट पैर उठाओ इतना ही उठता है तो भी पेन होता है हाँ दूसरा करो ये भी उठता नहीं है ओके आपका जो टोज है ना बिग टोज लेफ्ट हम लेफ्ट लेफ्ट पैर का जो बड़ा वाला फिंगर है ना खींचो बट खींचो मेरे बाजू में खींचो हाँ वो खींचो ओके आगे खींचो आगे हाँ ओके आपके आपके पास खींचो हाँ खींचो ना खींचो सर ये ऑपरेशन का केस है आप ऑपरेशन का केस है ये मेरा नाम बसवराज एस वी है कर्नाटक से आया हूँ मेरा कल से ट्रीटमेंट चालू किया सर ने मेरा पैर और ओबेसिटी बहुत था और चलने के लिए नहीं आता है बैठने के लिए नहीं आता था कल ही एक ही दिन में 42-50% कम हो गया आज भी ट्रीटमेंट किया है वो भी 60% तक कम हो गया मैं अभी चलने को और बैठने को आ रहा है सोने को भी आ रहा है। आपको क्या तकलीफ थी पहले? और मेरा L4-L5 डिस्क बल्ज था केले में डॉक्टर को दिखाया थोड़ा है अभी ऑपरेशन मत करो ये इलाज नहीं होएगा करके बोल दिया बाद में आयुर्वेदिक कंकनवाड़ी में 3-4 बार पंचकर्म किया है वो भी 15 दिन ठीक होता था बाद में और 3 महीने बरस में 2-3 बार मेरा कमर का दर्द आता था कई डॉक्टर के पास गया है इलाज नहीं हुआ है। कल जब आए थे तभी क्या पोजीशन थी आपको? कल पूरा मैं नर्वस था सर बैठने को भी कार चलाने को नहीं आता था अभी आके शाम तक आप ट्रीटमेंट देने के बाद मेरे को 40-50 तक कम हो गया आज भी ट्रीटमेंट लिया हूँ पूरा
मैं अभी चलते है, गाड़ी चलाता है, सोता है, बैठता है, उठता है, सब कुछ हो रहा है। कल बैठने को आ रहा था चेयर के ऊपर? नहीं नहीं नहीं, करवटे बदलने को आ रहा था? नहीं नहीं सर। हाँ अभी वॉक करके दिखाओ मुझे। बमरा मारा था सर। ओके बैठो। हाँ तो आपको मैंने एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट दे दिया, क्या मेडिसिन कुछ दे दिया? नहीं है सर। हाँ ओनली एक्यूपंक्चर? ओनली एक्यूपंक्चर। ओके देखिए ये पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में कल आया था, उनका हमने प्रीवियस वीडियो भी निकाला है, तो उनको वॉक करने को नहीं आ रहा था, करवटे बदलने को नहीं आ रहा था, जोर से उनको बहुत पेन होती थी। तो अभी उनको कल हमने एक ट्रीटमेंट कर दिया और आज कर दिया, तो अभी 60-70% उनको कम है, लेकिन आपको कोर्स करना पड़ेगा सर। विदाउट कोर्स वो आपको अच्छा नहीं होगा और फिर शुरू हो सकता है। तो किसी को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस, लंबर स्पॉन्डिलिसिस या संधिवात या पैरालिसिस हो तो हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9008451951। थैंक यू वेरी मच।